राहुल ट्रेन के अंदर सही तरीके से देख लिया था, कोई सामान तो नहीं रह गया, सब सामान निकाल लिया अपना लोगों ने। अरे मोदी जी, मैं और आप तो पहले निकल आए थे ट्रेन से, पीछे अखिलेश और केजरीवाल हैं, उनसे पूछो सारा सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे कंबल वाला बोरा तुम्हारे पास है और जो खाने पीने का सामान है उसका थैला मेरे पास है। वैसे मोदी जी, तुम 300 किलोमीटर गांव से दूर लेके आए हो यहां पर, मजदूरी यहां पर सही तो मिलेगी? राहुल, इससे अच्छी मजदूरी क्या मिलेगी, तुम्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा, किराया भी नहीं गया तुम्हारा अपने गांव से यहां तक आने के लिए। वो तो मेरी रेल विभाग में अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए ये मजदूरी मिल गई। वैसे मोदी जी, अपनों को यहां पर क्या काम करना है, क्या रेल का इंजन बनाना है? तुम भी योगी जी अजीब बात करती हो, रेल का इंजन बनाने का काम इंजीनियर का होता है, अपना लोग तो मजदूर है, मजदूरी का काम करेंगे? अरे क्यों भाई साहब, लाइन से बाहर क्यों आ रहे हो, लाइन में चलो, लाइन में लाइन लगा के सीधे सीधे चलो प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई साहब, लाइन से ही तो चल रहे हैं हम, लाइन से चल रहे हैं। अरे मोदी जी, इस शहर में तो बहुत सख्ती है, कहाँ पे मजदूरी करने के लिए ले आए, यहाँ पर तो चलने के लिए भी लाइन से चलना पड़ता है, और तुमने बताया नहीं हमें यहाँ पर रेल विभाग में क्या काम करना होगा। अरे लालू जी, बताता हूँ क्या करना होगा, ये जो ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है, जिस ट्रैक पे दौड़ती है, उसी ट्रैक को 20 किलोमीटर तक चेक करना होगा, कहीं पर नट बोल्ट तो ढीला नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। अरे मोदी जी, ये तो बहुत बढ़िया काम है, यानी कि ट्रेन की पटरी को चेक करना होगा, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है ट्रेन, जिससे कि सही सलामत चलती रहे। बिल्कुल अखिलेश, तुम बिल्कुल सही समझे, समझ गए तुम मेरी बात को। और मोदी जी, रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी अपनों को, कहां पर रुकेंगे अपना इस टाइम जाकर? अरे केजरीवाल जी, अपनों को रेल विभाग ने रहने के लिए कमरे दिए, उन्हीं कमरों में अपना रहा करेंगे। तो क्या रेल के चलते चलते रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? देखो केजरीवाल, नट बोल्ट ढीले हो ना हो, लेकिन रेल विभाग का काम सुरक्षा देने का है, इसीलिए तो रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट चेक करने के लिए अपनों को रखा है मजदूरी पर। भाइयों को, बीनियों को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। काम पर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक हम काम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे सांप जी आ गए। मोदी जी, तुम इन मजदूरों के लीडर हो, लेकिन ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। लालू सांप जी, कौन सी बात शोभा नहीं देती, मुझे बताइए कौन सी बात शोभा नहीं देती? अरे मेरी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बात है, क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हो? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा मजदूरी कार्ड देखो, पिछले 5 साल से हम आपके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है तुमने। चलो आने वाली दिवाली पे मैं सबकी मजदूरी बढ़ा दूंगा, चलो काम पर चलो सब लोग। ऐसा कोई चक्कर नहीं है लालू सर जी, पिछले 5 साल से आपने 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है, वही 150 रुपए दिहाड़ी पर हम काम करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारी दिहाड़ी 400 रुपए हर दिन के नहीं करोगे, तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। अरे 150 रुपए से सीधे 400 रुपए, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी दिहाड़ी मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे तुम काम पर जाओ या मत जाओ। कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल काम पर नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर आए क्यों हमसे बात करने के लिए, हम तो आराम से बैठे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम तो मजदूर आदमी है, 1 दिन का 150 रुपए का नुकसान होगा, आप अपनी फैक्ट्री को देखो, 1 दिन का आपको 200,000 रुपए का घाटा हो रहा है। देखो मोदी जी, तुम सब लोगों से आपस में बातचीत कर लो और दिन भर की एक ऐसी मजदूरी का रेट बता दो जिससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, आप भी संतुष्ट हो जाओ। चलो ठीक है लालू जी, हम आपस में सलाह कर लेते हैं कि कितनी दिहाड़ी हमें चाहिए। राहुल तुम्हें क्या लगता है, कितने रुपए की दिहाड़ी अपना ले लें? अभी तो फिलहाल 150 रुपए मिल रही थी, 300 रुपए सही रहेंगे बोलो? मेरे हिसाब से मोदी जी 350 रुपए बोलो लालू जी से, तभी ये अपनों को 300 रुपए देंगे, और अगर अपना 300 बोलोगे तो ये 250 रुपए देंगे ये अपनों को मुश्किल से। हाँ मोदी जी, राहुल की बात बिल्कुल सही है, 350 रुपए कह दो, मेरी भी राय 350 रुपए की है, 350 रुपए कह दो। और एक बात मोदी जी पहले कह देता हूँ, इस बार कागज पे लिखवा लेना बढ़िया तरीके से इन लालू जी से, जिस भी मजदूरी का समझौता हो अपना। चलो ठीक है, मैं 350 रुपए बोलता हूँ लालू जी, 350 रुपए में हम काम करेंगे, अब आप हमें हाँ ना में जवाब दो, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है, काम पे लग जाओ, 350 रुपए हर दिन के मैं दूंगा तुम्हें मजदूरी। भाइयों को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
राहुल ये बताओ, मैं जहाँ पर भी चावल बेचने के लिए जाता हूँ तुम पीछे पीछे अपनी दाल लेके क्यों आ जाती हूँ? क्या अकेले तुम कहीं पे दाल नहीं बेच सकते? मेरे पीछे क्यों लग जाते हो? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो मोदी जी, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए लग जाता हूँ क्योंकि जो तुमसे चावल खरीदेगा वो आदमी मुझसे दाल जरूर खरीदेगा, समझे? क्यों भाई राहुल, ऐसा कैसे है? जो मुझसे चावल खरीदेगा वो तुमसे दाल क्यों खरीदेगा? अरे मोदी जी, उसे खिचड़ी नहीं बनाना होगी, दाल और चावल मिलके ही तो खिचड़ी बनती है। और कहीं मैं अकेला दाल बेचने के लिए चला गया और अगर उस आदमी ने कहा कि मुझे खिचड़ी बनाने के लिए चावल की भी जरूरत है, फिर मैं क्या करूंगा? इसीलिए तुम मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगा। वो बात तो ठीक है राहुल, चलो तुम मेरे पीछे दाल लेके लग जाते हो, लेकिन ये योगी जी और अखिलेश गेहूं और पपीता लेके अपने साथ क्यों बेचने निकल पड़ती हैं? अरे मोदी जी, तुम भी अजीब बात करते हो। ये बताओ, जिस व्यक्ति ने अगर तुमसे दाल चावल खरीदे और उसने दाल चावल की खिचड़ी बनाई और खिचड़ी उसे पसंद नहीं आई, फिर वो क्या खाएगा? फिर तो योगी जी वो कोई दूसरी चीज खाएगा। अब की ना की तुमने पते की बात बिल्कुल। फिर वो मेरे गेहूं खरीदेगा और गेहूं से आटा पिसवाएगा, आटे की रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा वो रोटी। तुम भी अजीब बात करते हो योगी जी। अरे जो भी हमसे दाल चावल खिचड़ी के लिए खरीदेगा, अगर उसे खिचड़ी पसंद नहीं होगी तो दाल और चावल अलग अलग पका लेगा, वो दाल चावल खा लेगा। चलो फिर भी हम मान लेते हैं, अगर उसे रोटी पसंद है तो तुम्हारे गेहूं खरीद लेगा। लेकिन ये अखिलेश ये पपीता लेके अपने पीछे क्यों लग जाता है? इसका पपीता कौन खरीदेगा, मुझे ये बताओ। अरे मोदी जी, तुम भी अजीब बात करती हो। कुछ लोगों को अनाज खाना पसंद नहीं होता है, वो फल फ्रूट ज्यादा खाती है, समझे? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में पपीता लेके बेचने निकलता हूँ। और एक बात और भी है, कुछ लोगों को खाने के साथ साथ फल की भी जरूरत होती है। जैसे वो लंच कर रहे हैं दाल चावल का, तो साथ में पपीता भी रख कर खाएंगे। बहुत बढ़िया अखिलेश। चलो तो चारों लोग अपना एक साथ मिलकर बेचने के लिए निकलते हैं, चावल दाल गेहूं पपीता। क्या पता खरीदने वाले को क्या पसंद हो, वो क्या खरीद लें। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस बात का तुम सबको पता होना चाहिए कि आज शाम को लालू जी के दोस्त की शादी है और अपने बैंड का पूरे एरिए में पूरे इलाके में नाम है। तो लालू जी ने अपनों को इतने प्यार से बुलाया है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि कल शादी में अपना जब बैंड बजाएं, जिससे कि पूरी दुनिया में नाम हो जाए। योगी जी ये कैसे हल्के हल्के ढोल बजा रहे हो? इस तरीके से ढोल बजाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे ढोल बजाने में दम नहीं है, ये ढोल बजाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे मोदी जी, आपको पसंद आएगा भी कैसे? आपने अपने हाथ में तो इतना भारी ढोल ले लिया है और मुझे जरा सी ढोलकिया थमा दी है, तो आपके ढोल के सामने मेरी इस छोटी सी ढोलकिया में आवाज कहाँ आएगा? चलो योगी जी, जैसे भी बजा रहे हो वैसे ही बजाते रहो। अरे केजरीवाल, तुम्हारे झुंझुने से आवाज क्यों नहीं आ रही सही तरीके से? झुंझुना तुम बिल्कुल अच्छा नहीं बजा पा रहे हो। अरे मोदी जी, झुंझुने में से आवाज आएगी कैसे? कैसे आएगी आवाज? आपने मुझे जो झुंझुने बजाने के लिए दिए, इसमें छेद हो गए और इसके अंदर जो छोटे छोटे गोल गोल दाने थे जिनसे ये बसता था, वो सब निकल के भाग गए, तो झुंझुना सही तरीके से बजी नहीं पा रहा है। अब तुम्हें लालू जी के दोस्त की शादी में नाम भी चाहिए और बजाने वाले यंत्र तुमने हमें पुराने थमा दिए। केजरीवाल, इन्हीं झुंझुनों से मैंने 20 साल बैंड चलाया है, आज तुम्हें ये झुंझुने पुराने लगने लगे, लय और ताल मिल ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे अखिलेश, तुम्हारे पास से तो आवाज ही नहीं आ रही है, तुम क्या बजा रहे हो ये? अरे मोदी जी, मैंने अपने हाथ से लकड़ी का ये यंत्र बनाया छोटा सा, उसी को बजा रहा हूँ, आवाज तो अच्छी आ रही है। क्या खाक आवाज आ रही है अखिलेश? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बेफालतू में खड़े हुए हो, तुमने जो ये यंत्र बनाया है अपने आप से, इसमें से आवाज ही नहीं आ रही है, सुर और लय ताल मिल ही नहीं पा रही है, लगता है लालू जी के दोस्त की शादी में बदनामी हो जाएगी। राहुल, तुम कैसे खड़े हुए हो? तुम क्यों नहीं बजा रहे हो? ये हाथ में तुम्हारे क्या है, इसको बजाओ। ये तुम्हारे लिए मैं नया यंत्र खरीद के लाया हूँ, इसे बजाओ, बहुत अच्छा आवाज निकलेगा। अरे मोदी जी, ये कौन सी चीज बजाने वाली उठा के लेके चले आए? ये मुझसे तो बज नहीं रही है, 2 घंटे हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बजाऊं कैसे बजाऊं। अच्छी, लालू जी के दोस्त की शादी हो गई, उस शादी में बैंड के नाम के चक्कर में तुमने सारे के सारे यंत्र बदल दिए और समझी में नहीं आ रहा है हमारे, हम कैसे बजाएं? पहले तुम ही बजा के दिखाओ, फिर मैं इसे बजाऊंगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।